चलिए साइड पर देखते हैं कि कैसा है। आइए, ये हमारा पार्किंग स्पेस, यहाँ पे ये पार्किंग स्पेस है। और जस्ट पार्किंग के बाद ये हमारा स्टेयर केस है, स्टेयर है इधर दो साइड। और स्टेयर केस के नीचे यहाँ स्टोरेज का स्पेस इन फ्यूचर बनने वाला है, इंटीरियर का काम होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर जस्ट पार्किंग के बगल में एक टॉयलेट है, बाकी जो बाहर का आदमी है वो यहाँ पे वॉशरूम कर सके, उसको घर से कोई एंट्रेंस उसको घर से ना हो, घर से वो अलग रहे। फिर यहाँ अंदर हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं, यहाँ पर गेस्ट रूम है, यहाँ पे गेस्ट रूम है गेस्ट वगैरह को बैठने के लिए। गेस्ट रूम है, देखिए गेस्ट रूम है, यहाँ विंडो भी है, वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ अच्छा है। और जो बगल में टॉयलेट था वहाँ पे दो छत्ती बना हुआ है ताकि सामान स्टोर हो सके। उसके बाद गेस्ट रूम से सीधे चल के आते हैं रूम का हॉल, डाइनिंग हॉल है जिसमें आराम से एक टेबल रख सकता है। और जस्ट डाइनिंग हॉल के बगल में हमारा किचन है, किचन का ये रहा एंट्रेंस। यहाँ से क्या होगा आपका किचन जो भी आज भाई नौ का किचन है, जिसमें क्या है एल शेप किचन यहाँ बनने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर उसको वेंटिलेशन भी मिल जाएगा किचन को। और जस्ट किचन से अगर कुछ खाना वगैरह है तो हम ला के यहाँ डाइनिंग में सर्व कर सकते हैं, जस्ट बगल में है। और उसके बाद किचन से हट के हमारा ये टॉयलेट है यहाँ पर, एक डाइनिंग रूम से अटैच कॉमन टॉयलेट जो कि घर का आदमी का यूज़ करने का है। और जो एक बाहर टॉयलेट था वो एक बाहर का पर्सन के लिए है, गेस्ट वगैरह के लिए, वो घर में उसको एंट्रेंस ना मिले। और हॉल से ये हमारा दो रूम यहाँ पे निकल के आया है, बेडरूम एक ये है और यहाँ पे इंटीरियर का काम होने वाला है, कबर्ड वगैरह बनेगा। उसके बाद सेकेंड बेडरूम हमारा ये रहा, कबर्ड वगैरह ये बनेगा। तो ये हमारा एक साइट है जो कि चास में है, प्रॉपर इसमें इंटीरियर वगैरह सारा का काम होने वाला है। और अभी इसमें लिंटल के ऊपर तक का काम हो चुका है, बस इसमें ढलाई का काम होने वाला है। तो ढलाई का वीडियो भी जब ढलाई होगा तो उसका वीडियो भी मैं लाऊंगी ताकि आप लोग देखें कि कैसे किसी घर को जमीन से लेके खड़ा कैसे किया जाता है। तो चलिए ऊपर देखते हैं कि क्या क्या काम हो चुका है। ये स्टेयर का हाइट 6 इंच है ताकि चढ़ने में ट्रबल ना फील हो किसी को। और ये देखिए, ये जो स्टेयर केस के जस्ट बगल में वॉशरूम था, यहाँ पे ये हमारा लिंटल है, लिंटल पे जो ये 3 फीट का वॉल है यहाँ पे वो है ढलाई। और ये जो स्पेस है ये दुछती है जिसमें हम लोग सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं। पानी भर गया ना, उधर से वीडियो दिखा दो बस। और ये देखिए हमारा कॉलम है 10x10 का, और जिसमें हमारा 12mm का बार लगा हुआ है, 4 बार है। और ये रिंग है 7x7 का, और जिसमें हमारा 200mm सेंटर टू सेंटर गैप है। तो गाइज ये है मेरा साइट, अगर आपको मेरा साइट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय।